ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे, कौन इसमें सहायता करेगा, कौन इसे संभव करवाएगा? प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है, उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता, उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए, जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।